Assalamualaikum, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज मेरे पास है OnePlus 7T और OnePlus 8। इसके डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं OnePlus 8 जो हमारे पास है वो एज में मॉडल है, ठीक है। और 7T अगर देखा जाए 7T सिंपल पैनल में आता है, प्लेन में, ठीक है। दोनों के अंदर डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट आपको सी टाइप जनरेशन में दोनों फ़ोन आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इनकी लुक की बात की जाए, 7T जो आता है इसके बैक में गोल कैमरा आता है, और 8 की आप लुक देख सकते हैं, इसमें कैमरे की डिफरेंट लुक आती है। बैक में इसके मैट यूज़ किया गया, दोनों मैट फ़ोन है, और 8 के नीचे ही आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है दोनों का। 7T में भी आपको स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है, और 8 जो है 8 में एज देखने को मिल जाता है। इसमें जो स्नैपड्रैगन की बात की जाती है, OnePlus 8 में 865 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जबकि आपको OnePlus 7T में 855 प्लस का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। गेमिंग में दोनों 90 FPS आपको इजीली दे सकते हैं, और स्टीरियो स्पीकर के साथ ये फ़ोन है। कैमरा वाइज, व्लॉगिंग वाइज दोनों बेस्ट हैं। बाकी 8 की ज़्यादा लुक है, और 8 परफॉर्मेंस वाइज भी ज़्यादा सेल आउट होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। और 7T गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है सी टाइप जनरेशन में, और 8256 में भी आपको 7T देखने को मिल जाता है, और 8128GB में मिल जाते हैं, और OnePlus 8 जो है वो 8128GB में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, दोनों OnePlus के मॉडल हैं और बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।